الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته आइए कुरान समझिए आसान तरीके से कोर्स 3 सूरतुल बकरा आयत नंबर 54 सफा नंबर 7 इशारा सी। आप सबको खुशामदीद। सूरतुल बकरा हमने शुरू की थी कोर्स 2 से, पहले पारे का जो पहला क्वार्टर है उसको हमने शुरू किया, उसके पहले 5 सफात हमने कोर्स 2 में पढ़े। कोर्स 2 में जब हमने शुरू किया तो पहला सफ़ा हमने पढ़ा था सूरतुल फातिहा से हमने शुरू किया, और उसमें कामयाब इंसान की 12 आदात सीखी। फिर सूरतुल बकरा, उसमें हिदायत का तذکرہ हुआ और उन लोगों का तذکرہ हुआ जिनको हिदायत मिली या जिनसे हिदायत को मुखातब किया गया। कुछ लोगों ने उसको हिदायत को कबूल कर लिया जैसे कि मुत्तकीन, और कुछ लोगों ने वाज़े इनकार कर दिया जैसे कि काफिरीन, और कुछ लोगों ने ऊपर से उसको बज़ाहिर कबूल किया लेकिन हकीकत में उसको कबूल नहीं किया। तो उन लोगों, वो मुनाफिकीन थे, और उन लोगों के लिए कुरान की दावत और फिर कुरान का चैलेंज और आखिर में आदम अलैहिस्सलाम का मुख़्तसर तज़किरा हुआ जो पहले इंसान है जिनको हिदायत मिली थी। कोर्स 2 के बाद जब हमने कोर्स 3 शुरू किया तो इसमें सफ़ा नंबर 6 से शुरू किया, और इसमें बतदरीज बनी इसराइल का तज़किरा है जो बहुत बड़ी कौम थी जिनको हिदायत मिली लेकिन उन्होंने हिदायत की कदर नहीं की। आइए कोर्स 3 के अंदर आने वाले जो 5 सफहात हैं, यानी कि मुसहफ से जो पहला पारा है उसका सेकंड क्वार्टर हम देखते हैं। उसमें आज हमारा जो टॉपिक है ये सफ़ा नंबर 7। तो सफ़ा नंबर 6 के जो इशारात, उनको अपने हाथ की उंगलियों पर इस तरह देखें कि सबसे जो छोटी उंगली है वो पहला सफ़ा है, यानी इस कोर्स का सफ़ा नंबर 6। 4 इशारात हैं, हिदायत और नतीजा, बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो उस दिन से डरो। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम उस दिन। मुख्तसर अल्फाज में हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम उस दिन। हिदायत, बनी इसराइल, नेक काम उस दिन। 7वें सफ़े के जो 4 इशारात हैं उनका तारफ़ देखते हैं कि पहला इशारा था फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तोबा, दिखाओ अल्लाह को। फिरौन से निजात, 40 रातें, बछड़ा और तोबा, दिखाओ अल्लाह को। मुख्तसर अल्फाज में याद कीजिए, फिरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। फिरौन, 40, बछड़ा, दिखाओ अल्लाह को। ये 7वें सफ़े के 4 इशारात हैं, इनमें से पहले 2 इशारात हमने पढ़ लिए। अब इंशाल्लाह आज हम तीसरा इशारा पढ़ेंगे। तीसरा इशारा सफ़ा नंबर 2 का, यानी सफ़ा नंबर 7वें सफ़े का जो दूसरा तीसरा इशारा है, बछड़ा और तौबा। इसका तारुफ लेते हैं कि इससे पहले इस कोर्स में जब हमने बनी इसराइल का तज़किरा शुरू हुआ तो अल्लाह ताला मुसलसल बनी इसराइल पर किए जाने वाले अपने इनामात का तज़किरा कर रहे हैं, तो उसी का आगे तसलसल है, उनको नेमत अल्लाह ताला अपने याद ला रहे हैं। तो आज के सबक के में जो आयत पर हम पढ़ेंगे उसके अस्वाग देखते हैं कि बनी इसराइल को ये कहा गया था कि तोबा करो, और उसकी शक्ल ये थी कि जिन लोगों ने शिर्क किया है उन्हें कत्ल किया जाए, जो उन्होंने बछड़ा की पूजा करके बछड़े को माबूद बनाकर शिर्क किया था, तो उसके लिए ये सजा तजवीद की गई थी कि उन्हें कत्ल किया जाए जिन्होंने शिर्क किया है। दूसरा सबक यह है कि शिर्क जैसे बड़े गुनाह के बावजूद अल्लाह ताला ने उन्हें माफ़ कर दिया, उनकी तौबा को कबूल कर लिया। और तीसरा सबक यह है कि अल्लाह ताला बार बार तौबा कबूल फरमाता है, और वह बहुत ज़्यादा रहम करने वाला है और नरमी करने वाला है। तो आज की जो आयत है इस सबक की, आयत नंबर 54, इसके असबाक हमने देखे हैं।
कुरान कितना आसान है अल्हम्दुलिल्लाह, इस पूरी आयत के अंदर सिर्फ तीन अल्फाज नए हैं, बाकी सारे अल्फाज हमने पढ़ रखे हैं। आइए आज की जो आयत है इसका लफ्जी और फिक्री तर्जमा देखने से पहले इसको सुन लेते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم اتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم وإذ قال واو كمان ہے اور اس جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے ل قوم ہی اپنی قوم سے اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے قالا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے ل قوم ہی اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم یا قومی اس میں جو میم کے نیچے زیر ہے یہ یہاں پر بتا رہی ہے کہ یا قومی ہے اصل میں اے میری قوم انکم بے شک تم ظلم تم ظلم کیا تم سب نے ظلم سے ہے ظلم تم ظلم نہ پڑھا تھا تو ظلم تم سب نے ظلم کیا ہے بے شک تم سب نے ظلم کیا ہے انفسکم اپنے اوپر انفسکم اپنے اوپر تم سب نے ظلم کیا باتخاذکم العجل با کا معنی ہے ساتھ اتخاذ ہم نے لاسٹ کلاس میں جو ایک فعل پڑھا تھا اتخاذا اس کا مصدر ہے اتخاذ بنانا با معنی ساتھ اتخاذکم تمہارے بنانے کے ساتھ العجلا بچھڑے کو تم نے جو بنایا اس کی وجہ سے اس کے سبب تم سب نے اپنے اوپر ظلم کیا فتوبو لہذا یا پس توبو تم سب توبہ کرو رجوع کرو تابہ فعل ہم نے پڑھا اس سے ہے تب تو توبہ کر توبو تم سب توبہ کرو فتوبو پس تم رجوع کرو توبہ کرو الی طرف بارئکم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف تم رجوع کرو فقتلو اور قتل کرو انفسکم اپنے آپ کو یہ ہم نے ترجمہ دیکھا ہے اس آیت کا آئیے اس کی مختصر اشارہ دیکھتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ یا قومی ہلو سر السلام علیکم یہ اسکرین پر آیت نہیں آ رہی ابھی یہ آیت نہیں آ رہی ہے اس سے پہلے بھی سلائیڈ نہیں نہیں سر سلائیڈ نہیں نظر آ رہی بالکل باقی سب کے ساتھ بھی ایشو ہے نہیں سب کلیئر ہے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تو یا قومی کا مطلب اے میری قوم تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں کہ کس قدر صبر اور نرم دلی کا مظاہرہ کیا اور ان کا یہ اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اے میری قوم کہہ کر ان کو بلایا جا رہا حالانکہ انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا اتنا بڑا انہوں نے گناہ کیا کہ اللہ کے ساتھ انہوں نے شریک بنا لیا اور شرک جو ہے قرآن پاک میں جیسا کہ اللہ نے اور جگہ پر فرمایا ان شرک لظلم عظیم کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے تو اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو میری قوم کہہ کر بلایا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو دائی ہے دعوت دینے والا ہے اس کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ اس کا لہجہ جو ہے وہ نرم ہونا چاہیے اور اس کو صبر اور تحمل سے بات کرنی چاہیے کیونکہ جن کی طرف اس کو بھیجا جاتا ہے دائی کو دعوت دینے کے لیے تو موسٹلی ان کا جو رویہ ہے وہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا
तो आगे से उसको रिएक्शन का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसको बड़े सब्र और तहम्मुल से बात भी करनी है और नरम दिली का मुजाहरा भी करना है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है और दाई के लिए सबक भी है। इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुम अल-इज्ल, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, अपने ऊपर जुल्म कैसे किया कि अल्लाह ने तुम्हें अशरफुल मखलूकात बनाया था तो तुमने जानवर की पूजा करनी शुरू कर दी, और जानवर भी नहीं बल्कि जानवर का एक शबी जो बना हुआ था उसकी तुमने पुतले की पूजा करना शुरू कर दी। तो ये वाकई बहुत बड़ा जुल्म है और तुम्हारे ऊपर हैरानगी भी है कि तुम इतनी अशरफुल मखलूकात होकर तुम इस तरह की काम कर रहे हो और ये बहुत बड़ा जुल्म कर रहे हो। तो तुम्हारे बच्चे को माबूद बनाने की वजह से, तुम्हारे इस अमल की वजह से जो तुमने अमल किया है बशरे को माबूद बनाना, इस वजह से तुमने अपने ऊपर जो है कि जुल्म किया है। और जुल्म चूंकि कुरान में आया कि इन शिर्क ला ज़ुल्म अज़ीम, शिर्क करना बहुत बड़ा जुल्म है, इसलिए इनको इन अल्फाज से ताबीर किया। फतूबू इला बारिकुम, फतूबू बस तुम तौबा करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने शिर्क करने वाले गुनाहगारों को उनके हाल पर नहीं छोड़ दिया बल्कि ये कहा कि तुम तौबा करो, तुम तौबा करो, यानी ये कहा कि आपने कोशिश की कि वो तौबा कर ले और इनसे माफ़ी, यानी कि ये नहीं कहा कि ये अल्लाह ताला से माफ़ी ना मांगे। तो इससे हमें भी ये सबक मिलता है कि अगर कोई बंदा बुराई कर रहा है तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि वो करता है तो करता रहे, मुझे इससे क्या, मुझे कोई गर्ज नहीं है। अगर ये बुराई कर रहा है तो उसका अमल उसके साथ है, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है कि वो तौबा करता है या नहीं करता या उस गुनाह को छोड़ता है या नहीं छोड़ता, बल्कि मुझे फिक्र करनी है और उस मुझे उसको दावत देनी है कि अगर तुमसे ये जुल्म हो गया है, तुमसे ये गुनाह हो गया है तो तुम अल्लाह की तरफ लौट आओ, अपने पैदा करने वाले की तरफ तुम लौट आओ, यानी कि तौबा कर लो अपने इस गुनाह से। तो ये मुझे उसको दावत देनी है। फतूब इला बारिकुम, बारी कहते हैं अल्लाह ताला बारी है, यानी कि हर चीज़ को अदम से वजूद में लाने वाला है। तो जो अदम को, अदम से चीज़ को वजूद में लाता है और उसको किसी चीज़ को बनाने के लिए किसी किस्म के नक्शे की या किसी किस्म के सैंपल की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि वो जो कुछ बनाना चाहता है उसको अपने अमर कुन से उसको वजूद अता फरमा देता है। तो इसलिए ये अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल किए गए कि अल्लाह ताला की ज़ात तो ऐसी है कि जो हर चीज़ को अदम से वजूद में ला सकती है, उसको किसी किस्म के डिज़ाइन की, किसी किस्म के सैंपल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो तुमने ऐसा किस तरह से कर लिया, यानी तुम्हारी अक्ल पर हैरानगी है, तुमने ऐसा कैसे कर लिया कि तुमने एक ऐसी चीज़ को माबूद बना लिया, उसकी इबादत करना शुरू कर दी जो कि बेजान चीज़ है, और उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो भी तुम्हारे पास मौजूद था जिससे तुमने उस बछड़े को बनाया। तो अल्लाह ताला तो रॉ मटेरियल के बगैर भी बनाने पर कादिर है, इसलिए ये अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल हुए। बारी कहते हैं जो अदम से वजूद में ला सकता हो, जिसको कोई चीज़ बनाने के लिए किसी किस्म के रॉ मटेरियल की जरूरत ना पड़े। फक्तुलु अनफुसकुम, अब ये जो गुनाह उन्होंने किया था शिर्क वाला, अल्लाह के साथ उन्होंने शिर्क किया, तो इसकी तौबा के तौर पर क्या सजा उनसे उनके लिए तजवीज़ की गई कि वो उन लोगों को कत्ल कर दिया जाए जिन्होंने ये गुनाह किया है, जिनसे ये गुनाह सरजद हुआ है उनको कत्ल कर दिया जाए, यही इस गुनाह की माफ़ी है। यानी कि जब कत्ल कर दिया जाएगा तो इससे उनका दुनिया के अंदर बदला हो जाएगा और आखिरत में वो इस गुनाह की सजा से बच जाएंगे। तो जिन लोगों ने खुले मौजज़ात को, अल्लाह के इनाम को देखने के बाद और मूसा अलैहिस्सलाम और हारून की तालीमात को और नसीहतों के बाद भी शिर्क किया, तो अब उन लोगों को कत्ल कर दिया जाए, यही इस गुनाह का बदला है, इसकी सजा है। इस सजा के तौर पर उनको कहा गया कि कत्ल करो। आइए इस आयत को दोबारा से देखते हैं ताकि इसका तर्जुमा हमें याद हो जाए। वइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुम अल-इज्ला फतूबू इला बारिकुम फ़क्तुलु अनफुसकुम। फ़क्तुलु में उक्तुलु जो है ये कताला से है, उक्तुलु तुम सब कत्ल करो। आयत का दूसरा हिस्सा देखते हैं इस आयत का। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़ालिकुम खैरुल लकुम
عندباريكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم ذلكم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم یہ بہتر ہے ذلكم یہ جو عمل ہے یہ بہتر ہے یہ جو توبہ کرنے والا ہے یہ بہتر ہے خیرکم تمہارے لیے خیر لکم خیر بہتر ہے لکم تمہارے لیے عند بارئکم نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں یہ بہتر عمل ہے فتاب علیکم سو اس نے توبہ قبول کر لی تمہاری فتاب سو اس نے قبول کر لی فتاب علیکم کا مطلب کیا ہے سو اس نے قبول کر لی تمہاری توبہ فتاب تو وہ لوٹا علیکم تم پر توبہ یعنی کہ اس نے توبہ تمہاری توبہ کو قبول کر لیا کیونکہ ہم نے جب توبہ کا فعل پڑھا تھا اس وقت ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اس کے ساتھ دو طرح کے الفاظ آتے ہیں الہ بھی آتا ہے اور علا بھی آتا ہے جب اس کے ساتھ الہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا جیسا کہ آیت کے پچھلے حصے میں آیا فتوبو الہ باریکم تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو یعنی توبہ کرو اب یہاں پر علا آیا ہے جب علا آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کو قبول کرنا توبہ کو قبول کرنا فتاب علیکم سو اس نے تمہاری توبہ قبول کر لی انہو بے شک وہ ہو التوا ہو کا معنی بھی وہی ہے بے شک وہ اور ہوا کو ریپیٹ کیا یہاں پر اس کا مطلب بھی وہ ہے تو ریپیٹ کرنے کا وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایمفیسس پیدا کیا گیا اس کے لیے تاکید پیدا کرنے کے لیے کہ یہ وہی بے شک وہی ہے التواب وہی یعنی اللہ ہی التواب ہے تواب کا مطلب کیا ہے توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور تواب کا ایک معنی آتا ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا تواب کا ایک مطلب کیا آتا ہے بار بار توبہ قبول کرنے والا ہم نے پڑھا تھا انہو کانا توابا بے شک وہ بار بار توبہ قبول کرنے والا ہے الرحیم خوب رحم کرنے والا ہے انہو بے شک انہو ہوا بے شک وہی اب یہ وہی کا جو ترجمہ ہو رہا ہے یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہو اور ہوا دونوں کو ریپیٹ کیا گیا ہے دو لفظ ایک ہی میننگ کو ادا کرنے کے لیے لائے گئے ہیں اس لیے یہاں پر یہ وہی کا ترجمہ ہو رہا ہے بے شک وہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے الرحیم خوب رحم کرنے والا ہے باریکم یہ دو دفعہ باریکم کا لفظ استعمال ہوا تو اس سے باریک کہتے ہیں کہ کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانے والا ابتدا سے پیدا کرنے والا بغیر کسی نقشے کے پیدا کرنے والا اور بغیر کسی صورت کے پیدا کرنے والا اور کوئی را مٹیریل کے بغیر پیدا کرنے والے کو باری ہی کہتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے تو یہ دو دفعہ اس کا تذکرہ اس آیت میں ہوا اس لفظ سے یہ سمجھ آنا چاہیے بنی اسرائیل کو کہ بچڑا جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی جو بے شمار قسم کی مخلوقات ہیں ان میں سے ایک ادنا سی مخلوق ہے وہ ادنا سی مخلوق بھی کیا اس کا بھی شبیہ ہے اس کا بھی ایک نمونہ سا ہے تو تم نے اس کی پوجا کر لی تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے عادت ہے کہ جو کوئی بھی عمل جو ہے کوئی بھی گناہ کسی قوم میں عام ہو جاتا ہے تو اس کو اس گناہ سے باز رکھنے کے لیے اپنے نبی کے ذریعے سے اسی طرح کی مثالیں اور اسی طرح کے معجزات عطا کرتے ہیں تاکہ وہ جو قوم ہے وہ اس گناہ سے باز آ جائے فتاب علیکم تو اللہ تعالیٰ نے شرک کو معاف کر دیا شرک والے گناہ کو معاف کر دیا اور شرک کی جو سزا ہے ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ ہے تو یہاں انہیں معاف کر دیا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کسی کو چاہے تو معاف کر دے کوئی بھی اس بات کی ضرورت نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے کہ شرک تو آپ نے کہا کہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا ظلم ہے شرک کی معافی نہیں ہے تو آپ نے ان کو کیوں معاف کر دیا کوئی بھی یہ پوچھنے کی جسارت نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ وہ جس کو معاف کرنا چاہے معاف بھی کر سکتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اس گناہ کی سزا کے طور پر جو چیز ان کو کہی گئی تھی جو ان کو حکم ہوا تھا کہ یہ کام اگر تم کرو تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا وہ کام کیا تھا سزا کے طور پر سزا کیا تجویز کی گئی تھی ان کے لیے کہ تم
उन लोगों को कत्ल कर दिया जाए जिन्होंने इस गुनाह का इर्तिकाब किया है। जब उन्होंने उस बात पर अमल कर लिया, यानी उन लोगों को कत्ल कर दिया गया, तो तब उनके लिए माफी हो गई। क्योंकि दुनिया के अंदर भी ये है कि जब हम जब किसी चीज का जो बदला होता है, जैसे किसास कहते हैं ना, किसास बदले को कहा जाता है, तो किसास के तौर पर किसी को कत्ल किया जाए, ये शरीर के अंदर है कि किसास के तौर पर किसी को कत्ल किया जा सकता है। तो जब किसासन कत्ल हो जाता है तो उसके बाद उसका जो गुनाह उसने किया था, यानी कत्ल किया था, तो उसके गुनाह के तौर पर उसको कत्ल कर दिया गया खुद उसको भी, तो उसके आखिरत के अतबार से उसकी जो सजा होगी वो खत्म हो जाएगी। यानी आखिरत में उससे इसके जुर्म का जो उसने यहाँ पे किया था दुनिया में, कत्ल किया था किसी को, तो उस गुनाह से, उस जुर्म से उसकी माफ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ कि उन लोगों को कत्ल कर दिया गया, तो अल्लाह ताला ने उनके तौबा को कबूल कर लिया और उनको माफ़ कर दिया। तवाब रहीम, तवाब जब भी हम अल्लाह ताला की इस किस्म की सिफात को सुने, तवाब है अल्लाह ताला, बार बार तौबा कबूल करने वाला है और खूब रहम करने वाला है, हमें फौरन अल्लाह ताला से इसकी मगफरत और रहम और करम की दुआ करना चाहिए। मसलन कि अल्लाह, आपने बनी इसराइल को शिर्क जैसा बड़ा गुनाह करने के बाद भी माफ़ कर दिया था, बस मुझे भी माफ़ फरमा। इस तरह की अल्लाह ताला की जब सिफात देखें, हम उस सिफात के मुताबिक हम अल्लाह से दुआ भी कर लिए करें। अब एक हदीस लेते हैं, इससे के मुतल्लिक हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि अल्लाह कहता है, ऐ आदम के बेटे, अगर तू ज़मीन बराबर भी गुनाह कर बैठे और फिर मुझसे मगफरत की तलब के लिए मिले इस हाल में कि मेरे साथ किसी तरह का शिर्क ना किया हो, तो मैं तेरे पास उसके बराबर मगफरत लेकर आऊँगा और तुझे बख्श दूँगा। तो इससे भी हमें अंदाज़ा लगाना चाहिए कि अल्लाह ताला किस कदर बख्शने वाले हैं। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह, आपने बनी इसराइल को इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद भी आपने बख्श दिया, तो मैंने तो आपके साथ शिर्क नहीं किया, लिहाजा मैंने और बहुत सारे गुनाह किए हैं, कि अल्लाह मुझे उन गुनाहों से माफ़ी अता फरमा और मेरी तौबा को कबूल फरमा। आइए इस आयत के दूसरे हिस्से को दोबारा से पढ़ते हैं ताकि इसका तर्जुमा हमें याद हो जाए। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारीइकुम फताबा अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आयत का तर्जुमा और मुख्तसर शरह हमने देखी है। आइए इसका तर्जुमा दोबारा से बामुहावरा देखते हैं। और जब कहा मूसा ने अपनी कौम से, ऐ मेरी कौम, बेशक तुमने जुल्म किया अपने ऊपर माबूद बनाकर बछड़े को, लिहाजा रुजू करो तुम अपने पैदा करने वाले की तरफ और तुम कदर करो अपने आप को, ये बेहतर है तुम्हारे लिए तुम्हारे पैदा करने वाले के नज़दीक। सो उसने तौबा कबूल कर ली तुम्हारी, बेशक वही बहुत तौबा कबूल करने वाला, खूब रहम करने वाला है। हमने इस आयत का तर्जुमा देखा अल्हम्दुलिल्लाह। आइए इसमें आने वाले जो असबाक हैं और दुआ और प्लान्स को देखते हैं। असबाक क्या हैं? बनी इसराइल को कहा गया था कि तौबा करो, और उसकी शक्ल ये थी कि जिन लोगों ने शिर्क किया है उन्हें कत्ल किया जाए, और शिर्क जैसे बड़े गुनाह के बावजूद अल्लाह ताला ने उनकी तौबा को कबूल कर लिया। अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला बार बार तौबा कबूल करने वाले हैं और बहुत ज़्यादा रहम करने वाले। इन आयात का मुताला और गौर फिक्र करने के बाद हमें क्या दुआ करनी चाहिए? अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ुबिका अन उश्रिका बिका शैअन वाना आलम व अस्तगफिर का लिमाला आलम। ये मुख्तसर सी दुआ है। क्या दुआ है कि ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ इस बात से कि मैं तेरे साथ जानबूझ कर किसी को शरीक करूँ, और मैं तुझसे इन गुनाहों की बख्शिश तलब करता हूँ जिनको मैं नहीं जानता, यानी मेरे वो गुनाह जो मैं जानता हूँ जो नहीं जानता उन सब की मैं बख्शिश तलब करता हूँ। तो अल्लाह ताला से इस तरह पर अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए। या अल्लाह, जो ऐसे गुनाह जो मैंने कहीं खलवत में कर लिए थे, कहीं जलवत में कर लिए थे, कहीं छोटे किए थे, बड़े किए थे, और मैंने ऐसे गुनाह जो मुझे याद हैं या मुझे भूल चुके हैं, उन सब गुनाहों से मैं तौबा करता हूँ, या अल्लाह मेरी तौबा को कबूल फरमा। और अपनी पिछली ज़िंदगी का इस तरह हिसाब करना और आइंदा आने के लिए प्लान करना कि इंशाल्लाह मैं रोज़ाना इस्तग़फ़ार और तौबा करता रहूँगा। रोज़ाना क्या करूँगा? इस्तग़फ़ार या अस्तग़फ़ार? इस्तग़फ़ार। इस्तिग़फ़ार, अब ये याद रहेगा जुमला ना, इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आइए देखते हैं इन इस आयत के अंदर आने वाले अस्मा और अफ़ाल को।
अस्मा है कौम, कौम की जमा है अकवाम, कौम की जमा क्या है अकवाम। नफ्स अनफुस, यहाँ जमा इस्तेमाल हुआ है तो इसकी वाहिद आती है नफ्स, नफ्स की जमा अनफुस भी है और नफूस भी आती है, ठीक है जी। आइए देखते हैं अब इस आयत के अंदर आने वाले जो सेहतमंद हरूफ वाले अफाल हैं वो कौन से हैं। आसान सा फेल है जलम तुम, ये किस फेल से है, सेहतमंद हरूफ वाला फेल है जालमा, उसने जुल्म किया, जालमा यज़लिमु इज़लिम जालिम मज़लूम जुल्म। फ़क़्तुलु उसमें उक़्तुलु है, ये कातला से है, कातला नासरा से आता है, सेहतमंद फेल है, क़ाफ़ ता और लाम रूट लेटर्स हैं, कातला उसने कतल किया, यक़्तुलु यक़्तुलु वो कतल करता है या करेगा, क़ातिलुन मक़्तुलुन क़ातिलुन, ठीक है, कातला क़ाफ़ ता लाम इसके रूट लेटर्स हैं, ये सेहतमंद हरूफ वाला फेल है। अब देखते हैं कमजोर हरूफ वाला फेल कौन सा है इस आयत में, काला, काला आला हमने पढ़ा, काफ वाव लाम ये कमजोर हर्फ वाला फेल है, इसमें कमजोर हर्फ है वाव, कौन सा कमजोर हर्फ है वाव, वाव है या अलिफ है, वाव वाव बजाय अलिफ नजर आ रहा है लेकिन वो असल में वाव है। काला यकूलु कुल कुल काइल मकूलुन काउलुन, ठीक है जी। फतूबु ये ताबा, ये भी काला से है, इसका भी ये काला और ताबा ये किस बाब से है, दोनों का बाब नसरा है लेकिन इनके जो कोड है वो काला है, कोड कौन सा है, कोड काला, काला काफ अलिफ का नजर आ रहा है आपको, ठीक है, कोड इसका कौन सा है, ये कोड है। तो ताबा उसने तौबा की या वो लौटा, उसने रजू किया, ताबा यतूबु ताइबुन इलैह तौबतुन, ये डैश भी यहाँ लगा सकते हैं, और ये एक पैटर्न हमारे पास एक शक्ल मौजूद है, जैसे मफूलुन मकूलुन की तरह मतूबुन आता है, यहाँ पर अगर हम बनाएं इसका मफूल तो मतूबुन, इसके साथ सिर्फ खाली मफूल नहीं आएगा लिखना पड़ेगा, ठीक है जी, बनाए भी तो आमतौर पर यूज नहीं होता लेकिन अगर उसी मकूलन के पैटर्न पर इसको बनाना चाहें तो मतूबन इलेही ही बनाएंगे, ठीक है। मजीद भी के अफाल इस आयत में नहीं है, सिर्फ इत्तेखाज आया था वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इत्तेखाज इत्तेखाज़ का हमने फेल पढ़ा था, इख्तलाफा के पैटर्न पर तो उसी से मस्तर है इत्तेखाज, इख्तलाफा इफ्ताला इफ्तियाल से है इत्तेखास, ठीक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आज का जो सबक था उसका पहला हिस्सा मुकम्मल हुआ कुरान का, आइए आप देखते हैं इसका जो दूसरा हिस्सा है जो ग्रामर का हिस्सा है उसको इंशाल्लाह अभी देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमाइन। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से, कोर्स 3 सफा नंबर 7 इशारा सी, आज ग्रामर में जो टेबल है हमारे पास वो है तदब्बरा, कौन सा टेबल है ग्रामर में, टेबल है तदब्बरा, ये तदब्बरा इससे पहले हमने वो 5 जो पैटर्न थे मजीद फीके वो पहले पढ़ लिए हमने, कौन कौन से पढ़े हैं जुबानी सुना सकते हैं, सबसे पहला कौन सा था, लामा हसबा अल्लामा तफईल हसबा मुफाला, उसके बाद क्या था असलामा, असलमा इख्तलफा इख्तलफा
इस्तग़फ़ारा और पांच पांच पर पढ़ चुके हैं अल्लामा हासबा असलमा इख्तलाफा ये पांच पढ़ लिए हैं मज़ीदी के और इसके बाद अभी जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अभी आज पढ़ रहे हैं ये एक नया पैटर्न है मजीद फी का तो फाइन नाम के साथ भी हमने इसको याद करना है तो कैसे याद करेंगे अब ये जो तदब्बरा फेल नज़र आ रहा है आपको इसमें जो शुरू में ता है ये ज़्यादा किया गया ये जो ता है शुरू में ये ता ज़्यादा किया गया है ये देखें ये ता ज़्यादा है और इसके बाद जो दाल दाल और रा ये इसके रूट वर्ड्स हैं इसमें जो तीन अल्फाज बाकी रह जाते हैं इसमें से ये जो बा है एक बा को भी ज्यादा किया गया यहाँ पर ये शायद हमें बता रही है कि यहाँ पर दो बा हैं तो रूट लेटर कौन से हैं दाल बा और रा दाल बा और समझ आ गया आपको दाल बा और रा ये ज्यादा किया और एक बा भी इसको आप फा ऐन लाम के साथ अगर देखते हैं तो देखें इस तरह से होगा फा ऐन लाम ठीक है तो फा ऐन लाम के मुकाबले में यहाँ पर क्या आ रहे हैं दाल बा और रा तो बता सकते हैं ये कौन सा फेल है ये सेहतमंद सेहतमंद डबल हरफ वाला है या जोर है या हमजा वाला है सेहतमंद है फिर नहीं इसमें तो दो बा नहीं आ रहे लेकिन दूसरा बा तो दाल बा रूट लेटर्स हैं इस हमने डबल को नहीं देखना ये इसको हम डबल नहीं कह सकते दब्बरा अगर हमें कहीं पर नजर आता है या दब्बरा की तदब्बरा इसकी आगे और भी जो शेप्स हैं पूरे टेबल के अंदर जैसे फिर माजी मुजारे अमर कुछ भी नजर आता है तो हमने ये डबल बा के से हमने कंफ्यूज नहीं होना इस हवाले से कि ये डबल हरफ वाला है या सेहतमंद है क्योंकि डबल हरफ वाला तब होता अगर इसके जो रूट लेटर्स हैं दाल बारा इसमें दो हरफ एक जैसे होते तब ये डबल हरफ वाला कहलाता तो जो फा ऐन लाम के मुकाबले में तीनों आ रहे हैं ये तो दाल बारा है इसमें कोई भी डबल हरफ नहीं है ना कोई डबल है और ना ही कोई इसमें कमजोर है ना ही इसमें हमजा है लिहाजा अब ये फेल जो है क्या होगा सेहतमंद हरफ वाला अब ये कौन सा फेल होगा सेहतमंद वाला फेल होगा सेहतमंद फेल तो इसमें ज्यादा क्या किया गया है शुरू में ता ज्यादा है और जो बा को डबल उसमें एक हरफ को ज्यादा कर दिया गया है ये इसमें ज्यादती है ठीक है इसी से ज्यादा है और शर्त ज्यादा है इसमें सर यानी कि डबल बा तो तदब्बरा कुछ समझ आया इसका बेसिक यस सर आगे देखते हैं कि ये एक हमें स्लाइड नजर आती है इसमें बहुत सारे ऐसे अफाल हैं जो इसी साउंड पर आते हैं जो साउंड हमने देखा हुआ है इसी साउंड पर आते हैं तो देखेंगे आप तदब्बरा है इस तरह से तज़क्करा है सबका जो पहला पहला वर्ड है तो और से सुन ले पहले ना तो तदब्बरा जो भी हमने देखा है फेल इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे तो ये जो स्लाइड है इसमें हमने ये देखना है कि जैसे तदब्बरा माजी का पहला सीगा है तो इस तरह से ये जो स्लाइड है इसमें भी इसी साउंड पर आने वाले इसी पैटर्न पर आने वाले बहुत सारे अफाल इसमें लिखे हुए हैं इसमें तदब्बरा है तज़क्करा है तरब्बसा है तवल्ला है तवफ़ा तकल्लबा ये सारे के सारे तबैजाना तसद्दका तवक्कला ये सारे के सारे इसमें आ रहे हैं तो जितने जो बड़े हैं वो ज़्यादा यूज हुए हुए हैं जो सबसे जो छोटे छोटे हैं वो कम यूज हुए हुए हैं लेकिन इसी साउंड पर आते हैं सारे जी सिस्टर फरहत आपका क्वेश्चन है कोई जी सर तदब्बरा का तो मतलब तो है ना उसने गौर किया तो जो इसका है मादा है इसका दबरा उसको उसका क्या मतलब होगा दबरा फेल आपने पढ़ा नहीं है पहले मुझे नहीं याद सर अगर पढ़ा नहीं सर नहीं पढ़ा हम पहले ये पढ़ा आगे डिस्कस करेंगे इस चीज को ना अभी हम अभी सिर्फ उसका पैटर्न हम चेक कर लें जो चीज यहां पे हम समझना चाह रहे हैं कि इसके जो रूट वर्ड्स हैं उसको हमने कैसे पहचानना है तो ये जो अफाल सारे के सारे नजर आ रहे हैं ये उसी साउंड पर आते हैं जो हमने तदब्बरा का पढ़ा है
इस तरह से तज़क्करा है, तरब्बसा, तवल्ला, इन सब में भी एक ता ज्यादा किया गया है और जो बाकी तीन है उसमें से एक हरफ ज्यादा है। दाल काफरा तज़क्करा में है और वाउलाम वल्ला तरब्बसा सब में ऐसे ही, ठीक है। तो सब का सोने, अब हमने ये पहचाना यहाँ पर ये है कि जो फाइन लाम में से जो हम इसका जो मेन बाब हम याद करते हैं वो क्या होगा, तदब्बरा का मेन बाब क्या होगा? फला जी, तफाउल, तफाउल, इसका तफाउल होगा सर, तफाउल। ये यहाँ पर ये बोला है तदब्बरा तफाउला, तफाउला, ठीक है, तदब्बरा तफाउला। तो इसका मस्तर आता है तदब्बरा का तदब्बुर, ठीक है। तो तफाउलुन, तो बाप कौन सा हुआ? तफाउल, तफाउल। कौन सा बाब है इसका? तफाउल, तफाउल। कौन सा बाब है? तफाउल, तफाउल। ये याद, देखिए ता ये वाली ज्यादा थी और यहाँ ऐन में भी एक ऐन ज्यादा है, तो क्या होगा फाइल नाम में? तो ये समझ आ गया, ये तफाअला है, तदब्बरा, तफाअला, तदब्बरा। तो इस तरह से तज़क्करा तफाअला, तरब्बसा तफाअला, ठीक है, तकल्लबा तफाअला, ये सारे के सारे इसी सौण पर आते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई आपको? हमजा से शुरू होने वाले कौन से अल्फाज हैं? ये जी कौन से हमजा से कौन से शुरू हो रहा है सर? यहाँ पर लिखे हुए साथ साथ छोटे छोटे इनमें कुछ और भी तफसील है, इसलिए वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ ये जो जो बड़े बड़े शायद में लिखे नजर आ रहे हैं ना, इनको हम डिस्कस करते हैं। इसमें कुछ हमजा वाले हैं सही, उनकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। जिसमें देखें ना, वो इस सद्दा डबल शादार है ना, स्वाद पर भी शादार है, दाल पर भी शादार है, ठीक है जी। कुछ हैं इसमें, तो अभी तक हमने ये समझा है कि तदब्बरा जो फेल आज हम पढ़ेंगे, तदब्बरा इसका मस्तर है तदब्बुरुन, और ये तफाउल बाब से आता है, और इसी के साउंड पर आने वाले कुछ और अफाल भी हमने अभी देखे, इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम अभी आगे पढ़ते हैं। तो तदब्बरा फेल है, इसको शुरू करने से पहले हम किसी टू की तरफ देखेंगे, जो हमने कमजोर हरूफ वाले अफाल पढ़े थे, कौन सा जुमला पढ़ा था? अल्लाह ने देने का वादा किया है, वहाबा वादा, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, काला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दहा हदा, और अच्छा गुमान रखो, जन्ना, वरना गुमराह हो जाओगे, जल्ला, ठीक है जी। तो क्यों स्त्री जब हमने शुरू किया तो उसमें मजीद फी के अफाल हम पढ़ रहे हैं, तो आलिमा से अल्लामा, सालिमा से असलामा, और इसमें जो जिस तरह से हरूफ की ज्यादती होती है फेल के अंदर, वो हमें यहाँ से पता चल गई कि बाज़ दफ़ा शब्द की शक्ल में ज्यादा होती है, यानी कि एक हरफ ज्यादा किया जाता है, जो तीन हरफी अफाल में से एक हरफ ज्यादा कर दिया जाता है फाइन लाम के मुकाबले में, या उसके शुरू में कुछ एक्स्ट्रा कर दिया जाता है, जैसे सालिमा से असलम आ गया, शुरू में हमजा ज्यादा आ गया। तो ये मजीद फी की डेफिनेशन हम कोर्स में पढ़ते आ रहे हैं इस कोर्स में। तो ये वाला हमने याद किया था, ये जो पांच पैटर्न हमने पहले इस्लाम में बड़ी अहमियत है, इसको आप कैसे कैसे इसको हमने तफसील से देखना है कि तालीम किससे है, इसका फाइल नाम में कौन सा बाब है? तफ़ईल, फ़ईल। तालीम और मुहासबा की इस्लाम, ये इस्लाम की बुनियादों में से है। अल्लमा, हासबा, असलमा, इसलिए इख्तलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए, इख्तलाफ़। तालीम पहला बाब हमने पढ़ा था मजीद फी का, असल उसका बाब कौन सा था फाइल नाम में से? तफ़ईल, तफ़ईल, मुफ़ाला, पहले तीन याद करें, तफ़ईल, मुफ़ाला, इफ़ाल, तालीम, तालीम, मुहासबा, इस्लाम, तालीम, मुहासबा, इस्लाम, इफ़ाल, इस्तिफ़ाल, इख्तिलाफ, इस्तिग़फ़ार, इख्तिलाफ, इस्तिग़फ़ार। तो ये जो अफ़ाल हैं ये मज़ीद फ़ी के
یہ قرآن پاک میں تقریباً 200 مرتبہ آئے ہیں. اور جیسے علامہ ہے تعلیم سے تو فاعلہ ہوگا, ماضی حاسبہ ہے مفعلہ سے تو اس کا کیا ہوگا فاعلہ ہوگا, اور اسلمہ ہے اسلام سے اسلمہ تو افعلہ, اختلاف سے اختلافہ تو افتعلہ, اور استغفار سے استغفرہ ماضی ہے تو استفعلہ فاعل نام میں سے آئے گا. ٹھیک ہے جی, تو یہ والے سلائیڈ ہمیشہ یاد رکھیں, یہ پانچ جو پہلے پیٹرن ہم نے پڑھے تھے اس کو یاد کیجئے گا. اب اگلے تین جو پیٹرن ابھی ہم پڑھ رہے ہیں, پہلا ہے تفاعل, پہلا کون سا ہے تفاعل, جو ابھی آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے تدبر, تفاعل تدبر. تدبر اور تدارس کیجئے, ریپیٹ کریں, تدبر اور تدارس کیجئے, تدبر اور تدارس کیجئے تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو, تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب, بہتر ہو پڑھیں تدبر اور تدارس کیجئے, تدبر تدارسا, تدبر اور تدارس کیجئے, تدبر تدارسا, تاکہ اللہ کی جانب بہتر ہو انقلاب, انقلابہ انقلاب. یہ جو تین پیٹرن ہیں مزید پھیکے, ان کو بھی ہم نے اس طرح سے جملے میں یاد کرنا ہے. آخر آگے جا کر یہ ہمارا یہ جو سلائیڈ ہے یہ بڑی ہو جائے گی, اس میں پہلے پانچ وہ بھی آ جائیں گے اور یہ بھی تین شامل ہو جائیں گے. تو تدبر جو ہے اس میں ہے باب تفاعل, اور آگے آئے گا تفاعل اور انفعال, تفاعل اور انفعال. تو جو فاعل لام میں اس کا جو باب ہے وہ بھی یاد کرنا ہے. تدبر, تدبر, تدارس اور انقلاب جو ہے یہ ایک کوڈ ہیں آگے آنے والے جو افعال ہیں جو ان کے ساؤنڈ پر آتے ہیں. تو اصل باب کون سا ہے تفاعل, تفاعل اور انفعال. اصل کون سا باب ہے تفاعل, تفاعل اور انفعال. ٹھیک ہے جی, یہاں تک بات سمجھ آ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں آج کا جو فعل ہے تدبرا, تدبرا میں کیا زیادہ کیا گیا, شروع میں تا ہے اور تیسرے حرف کے اندر شد زیادہ کر دی گئی ہے. تدبرا کا مطلب ہے اس نے غور و فکر کیا, تدبرا اس نے غور و فکر کیا, تدبر کیا. تو تدبرا کو ہم کسی اور انداز میں, ہم نے پہلے اس کے لیے کوئی ایک مثال پڑھی تھی, کوئی یاد ہے کسی کو کسی ون میں لقد یسرنا القرآن فہل آیت نہیں, ہم نے اس کے میننگ کو یاد کرنے کے لیے نا ایک مثال پڑھی تھی کہ تدبر کیا ہوتا ہے, ہم جو ہے اس پہ سوچ بچار غور و فکر کر سکتے. ہمارے پاس کوئی چیز ہو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو اس میں غور و فکر نہیں کرتے, اس کو سرسیاں پڑھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ایسی چیز ہوتی ہے کیا اسے ہمیں غور و فکر سے پڑھنا پڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پر ہمارے پاس اگر نیوز پیپر ہے ہم اس کو پڑھیں گے, غور و فکر نہیں کریں گے اس کے اندر. بہت زیادہ غور و فکر اس میں نہیں کرنا پڑے گا ہمیں. اور اگر اس کے مقابلے میں اگر کوئی ہمارے پاس سائنس کی کتاب آ جاتی ہے, کوئی مطلب ہے کہ اس طرح کی کتاب آ جاتی ہے, بایو کی کیمسٹری وغیرہ کی بک آ جاتی ہے, تو ہم اس کو بڑے غور و فکر سے پڑھنا پڑے گا, ہمیں تدبر کرنا پڑے گا اس میں. ٹھیک ہے جی, تو آئیے آپ دیکھتے ہیں تدبرا سے فعل ماضی کیا ہے. فعل ماضی تدبرا سے فعل ماضی ہے تدبرا, اس نے غور کیا, تدبرو ان سب نے غور کیا, تدبرتا آپ نے غور کیا, تدبرتو میں نے غور کیا, تدبرتم آپ سب نے غور کیا, تدبرنا ہم سب نے غور کیا. آخر میں دیکھیں جمع کے لیے تدبرو جیسے واؤ آ گیا ہے, اور تدبرتا تا تو تم نا آخر میں یہی ہے, اور شروع میں وہی تا دال بارا یہ شروع میں آ رہا ہے, وہ جو تدبرا ماضی میں تھا اسی طرح سے آگے بھی آ رہا ہے, آخر میں صرف اضافہ ہو رہا ہے تا تو تم نا. ٹھیک ہے جی, ہم تدبرنا ہم سب نے غور کیا. اس طرح سے اگر اس کا ہم مونس بنائیں گے تو وہ بھی ایسے صرف آخر میں تا ساکن لگا لیں گے. آئیے ماضی کو عربی بول چال میں سیکھتے ہیں. حل تدبرا, کیا اس نے
غور و فکر نعم تدبر نعم تدبر غور و فکر کیا ال تدبروا کیا ان سب نے غور و فکر کیا نعم تدبروا ان سب نے غور و فکر کیا یہاں تک تو آسان تھا یہاں تک تو سیم اس طرح سے صرف نام کا اضافہ کیا ہم نے آگے دیکھتے ہیں آپس کی جو بات چیت ہے اس کو کیسے کریں گے حل تدبرتا کیا نام تدبرتو میں نے غور و فکر کیا حل تدبرتم آپ سب نے غور و فکر کیا نام تدبرتا الحمدللہ ماضی کلیئر ہوگا سب کو آپ دیکھتے ہیں اس کا مضارے کیا ہے مضارے ہے یتدبرو تدبرا یتدبرو پھر مضارے ہے وہ غور کرتا ہے وہ غور و فکر کرتا ہے یہ کرے گا یت اب دیکھیں مضارے کے اندر کیا ہو رہا ہے صرف شروع میں یا تا حمزہ تا نون یہ صرف اشارہ کر رہے ہیں جو مضارے کی علامتیں ہیں ٹھیک ہے یتدبرو میں شروع میں صرف یا اشارہ کر دیا جو مضارے کی علامت ہے یتدبرونا میں وہ بھی یا اشارہ کر دیا آخر میں جمع ہے چکے اس لیے واو نون لگانا پڑا اس طرح سے تدبرہ میں سر پیش بھی آ گئی جی را پہ پیش بھی آ گئی نا جی آخر میں را پہ پیش آ رہی ہے سب یہ بات بھی کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ہے مضارع کی نشانی جو شروع میں آ رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم کر رہے ہیں تو یتدبرو وہ غور کرتا ہے یتدبرونا وہ سب غور کرتے ہیں تدبرو آپ غور کرتے ہیں یہاں پر چونکہ دو تا جمع ہو رہی ہیں ایک تا جو پہلے والی یہ مضارع کی ہے اور دوسری تا کون سی ہے جو فیل کی اپنی تا ہے تدبرہ میں ٹھیک ہے تو تدبرو آپ غور کرتے ہیں اتدبرو میں غور کرتا ہوں تدبرونا آپ سب غور کرتے ہیں نہ تدبرو ہم سب غور کرتے ہیں مضارع سمجھ آ گیا سب کو آسان ہے کہ مشکل ہے آسان ہے ماشاء اللہ اس کا مطلب ہے یہ کلاس جو ہے نا کافی ایکٹیو ہے عربی بول چال میں اس کو تھوڑا سا مزید سیکھتے ہیں حل یتدبرو کیا وہ سب وہ غور و فکر کرتا ہے سنگولر ہے نام یتدبرو نام یتدبرو وہ غور و فکر حل یتدبرو نا کیا وہ سب غور و فکر کرتے ہیں نام یتدبرو تتدبرو کیا آپ غور و فکر اتدبرو میں غور و فکر کرتا ہوں حل تتدبرونا کیا آپ سب غور نتدبرو نام نتدبرو نام نتدبرو جملہ بناتے ہیں حل یتدبرو فی القرآن کیا وہ قرآن میں غور فکر کرتا ہے حل یتدبرون فی القرآن کیا وہ سب غور و فکر کرتے ہیں صرف اس میں فی القرآن کا یتدبرون فی القرآن اس مائک میں زیادہ ڈسکشن آ رہی ہے کائنڈلی مائک جو ہے نا وہ میوٹ ہی رکھیں obviously مائک کو میوٹ رکھتے ہوئے اس کو خود سے ریوائز کریں گھر میں اشارات کرتے رہتے ہیں حل یتدبرون فی القرآن نام کا لگا دینا ہے اس کے بعد حل تتدبرو فی القرآن نام اتدبرو فی القرآن ٹھیک ہے جی الحمدللہ مضارع سب کو کلیئر ہو گئے جی آئیے اب دیکھتے ہیں اس کا فعل امر کیسے بنے گا فعل امر تدبرہ سے بہت ہی آسان ہے تدبرہ فعل ماضی تھا آخر میں صرف اور صرف کیا کیا آخر میں آخری جو حرف ہے اس کو ساکن کر دیا تو کیا بن جائے گا تدبر کیا بنے گا آخر میں جو لام کلمہ ہے تدبر عین لام سے جو لام کلمہ آخری ہے اس کو ساکن کر دیں گے وہ را ہے تو را کے زبر کو ہٹا کے جزم لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا فعل امر
तदब्बर, जैसे अल्लमा से पढ़ा था अल्लिम, हासबा से हासिब, असलमा से असलिम, इख्तलाफा से इख्तलिफ, इस्तगफरा से इस्तगफिर, तो तदब्बरा से तदब्बर। ठीक है, आइए इसकी चाबी दोबारा करते हैं। फिल अमर तदब्बर, तो गौर फिक्र कर, तदब्बरू, तुम सब गौर फिक्र करो, ला तदब्बर, ला तदब्बरू। अब इसमें जो ता है, ये ता भी जो है वो जैसे मुजारे के बाद जैसे नहीं में भी आती है, ता तदब्बर, ये दो ता यहाँ पे आएंगी नहीं के अंदर, ला तदब्बर, ला तदब्बरू। ठीक है जी, अरबी बोलचाल में लिखते हैं तदब्बर, तो गौर फिक्र कर, तो क्या जवाब आएगा, अतदब्बरू, मैं गौर फिक्र करता हूँ, ये करूँगा, क्योंकि जो अमर होता है फिर अमर का जवाब मुजारे से आता है, तो मुजारे में ये वाला इशारा है, अतदब्बरू, मैं गौर फिक्र करता हूँ या करूँगा। तदब्बरू, तुम सब गौर फिक्र करो, नतदब्बरू, हम सब गौर फिक्र करते हैं या करेंगे, दोनों तरह से इसके मीनिंग आते हैं मुजारे में, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद इसम फाइल, इसम मफूल बहुत ही सिंपल है, मज़ीद फी के अंदर शुरू में मीम लगाना है पेश वाला, और आखिर में जो सेकंड लास्ट है उसके नीचे ज़ेर हो तो इसम फाइल है, और ज़बर हो तो इसम मफूल है। ठीक है जी, तो तदब्बर से मुतदब्बिरुन, मीम शुरू में लगाएंगे अगर तो मीम पेशा लगा देंगे, और मुतद आगे है दब्बारा था ना, मीम को अगर ये वाला मीम लगाया और बाकी दब्बारा है तो उसको सिर्फ ज़बर को ऊपर से उठाकर नीचे ज़ेर बना देंगे तो क्या बनेगा, मुतदब्बिर, क्या बनेगा, बिर फाइल, हाँ फाइल बनेगा, क्योंकि बाकी जो हरकत है ना रा की, जैसे तदब्बारा में जबर नजर आ रहा है, तो ये आखिर में क्योंकि ये इसम फाइल है तो इनके आखिर में तो तनवीन होती है, वो तनवीन तो ऑलरेडी हमें लगानी है, मुतदब्बिरुन भी हो सकता है, मुतदब्बिरन भी आ सकता है, यानी दो पेश, दो जबर और दो जेर, ये तनवीन जो होती है ये तो इसम का इसकी अलामत है इसम की। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लगानी है मुतदब्बिरुन। तो चेनिंग क्या आई है, शुरू में मीम पेश वाला लगा दिया और आखिर सेकेंड लास्ट जो है उसमें जेर लगा दिया तो इसम फाइल बन जाता है, और सेकंड लास्ट में अगर हम जबर लगाएंगे तो क्या बनेगा, मुतदब्बिरुन। ये आ गया और इसम मफूल ये वाला आ गया, मुतदब्बिरुन और मुतदब्बरुन। ठीक है, यानी इसम मफूल में अगर देखा जाए तो इसम मफूल के अंदर ये चेंजिंग भी नहीं आई है सेकंड लास्ट वाली, मुतदब्बरुन, तो उसमें सिंपल रास्ते रशूर में मीम लगा दिया। ठीक है, इसम फाइल में तो जबर को जेर से चेंज किया ना, लेकिन इसम मफूल के अंदर जबर को जेर से चेंज नहीं करना पड़ा, बल्कि ऑलरेडी ही जबर ही था माजी में तदब्बरा में, तो यहाँ पर भी जबर ही रहने दिया, तो दोनों बन गए, इसम फाइल बना मुतदब्बिरुन, या अल्लाह बना मुतदब्बरुन। ठीक है जी, जैसे अल्लमा से मुअल्लिम और मुअल्लम, मुअल्लिमुन और मुअल्लमुन, हासबा से मुहासिबुन मुहासबुन, असलमा से मुस्लिमुन और मुस्लमुन मुस्लमुन मुस्लमुन। ठीक है, और इस तरह से इख्तलाफा से मुख्तलिफुन और मुख्तलिफुन, इस्तगफरा से मुस्तगफिरुन मुस्तगफरुन, मुतदब्बरा से मुतदब्बिरुन और मुतदब्बरुन, ज़ेर के साथ सेकंड लास्ट ज़ेर के साथ इसम फाइल होगा और सेकंड लास्ट के ज़बर के साथ इसम मफ़ऊल होगा। तो इसका मस्तर क्या है, तदब्बुर, सिर्फ जो बा है इसके ज़बर को पेश से तब्दील कर दिया है माजी के अंदर, जैसे तदब्बरा था इसमें ज़बर को पेश से तब्दील किया तो क्या बन जाएगा, मस्तर तदब्बुर। तो आइए करते हैं मुतदब्बिरुन मुतदब्बरुन तदब्बुरुन। ठीक है, मुतदब्बिरुन मुतदब्बरुन और तदब्बुरुन, पूरा टेबल हमने पढ़ लिया, इसमें माजी के अंदर तदब्बरा था तो मोनस की जाएगा तदब्बरत, सिर्फ ता साकिन का इजाफा करेंगे, और अंटा था तदब्बर मुजारे के लिए,
اور یہ والا اشارہ اور مونس کے لیے بھی ہیا تتدبر، ہیا تتدبر، وہ عورت غور کرتی ہے. الحمدللہ ٹیبل ہم نے مکمل کیا ہے، اس ٹیبل کو ایک دفعہ پورا دہراتے ہیں اشارت کے لیے ساتھ ساتھ. تدبرا، تدبرو، تدبرتا، تدبرتو، تدبرتم، تدبرنا، یتدبرو، یتدبرون، تتدبرو، اتدبرو، تتدبرون، نتدبرو. تدبر کیا آئے گا اسم فاعل، اور سوری اس فعل امر کیا آئے گا؟ تدبر، تدبرو، لا تتدبر، لا تتدبرو، متدبرون، متدبرون، تدبرون. پورا ٹیبل الحمدللہ ہم نے کر لیا ہے. اس کے بعد آئیے دیکھتے ہیں اس کی چھ چابیاں کیا ہیں. تدبرا، یا تدبرو، تدبر، متدبرون، متدبرون، تدبرون. یہ اسم فاعل آخر میں جو اسماء ہیں تینوں، ان پہ پیش ہم پڑھیں گے. یہ اس کی نشانی ہے چونکہ تنوین اسم کی، اسم فاعل، اسم مفعول اور مصدر. تو سر اس میں فاعل کے لیے متدبر آتا ہے، لیکن اردو میں جو ہے صرف مدبر کہتے ہیں نا. مدبر اور چیز ہے، یہ متدبر اور چیز ہے، یہ مزید فیت ہے. متدبرین نہیں کہا جاتا. تو اب تک جو ہم نے افعال پڑھے ہیں ان سب کو ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں اس کی چھ چابیوں کے ساتھ. علم، یعلم، علم، معلم، معلم، تعلیم، ٹھیک ہے. حاسب، 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 حاسب. ساتھ اشارے کرتے جائیں، مائک کو میوٹ رکھتے ہوئے، تو بہت آسانی رہے گی یاد رکھنے میں بھی انشاءاللہ. یہ پھر اشارات کی وجہ سے آپ کو زیادہ عرصہ تک یاد رہیں گے. تیسرا فعل ہم نے پڑھا تھا اسلم، یسلم، اسلم، اسلم، مسلم، اختلف، یختلف، یختلف، مختلف، استغفر، يستغفر، يستغفر، مستغفر، مستغفر، استغفار. آج کا جو فعل ہم نے پڑھا تدبرا یا تدبرو، بائک کو میوٹ رکھے ذرا آسانی رہے گی باقی کو سمجھ آئے گی. تدبرا یا تدبرو، تدبر، متدبرون، متدبرون، تدبرون. سارے کے سارے افعال کو، ان کی چھ چابیوں کو اشارات کی مدد سے یاد کریں تو انشاءاللہ زیادہ عرصہ تک آپ کو یاد بھی رہیں گے. اگر صرف رٹا لگائیں گے تو پھر وہ جلدی بھول جاتے ہیں. آپ اشارات کیا کریں، اشارات سے یاد کیے تو انشاءاللہ بہت آسانی بھی رہے گی یاد کرنے میں بھی اور یاد رکھنے میں بھی. تو کیا ہم نے پڑھا تھا؟ تدبرا یا تدبرو، تدبر، متدبرون، متدبرون اور تدبر. آئیے ورب بک کے اندر کچھ کوشچن ہیں ان کو سالو کرتے ہیں. تدبرا فعل کے متعلق عربی بنائیے. وہ سب قرآن پر غور کرتے ہیں. پہلے ہم دیکھیں گے وہ سب. تو یہ سسٹر عظما، آپ مائک کو میوٹ کریے اور ان میوٹ کر کے اس کا بتائیے باقی لوگ. سر یہ وہ سب قرآن پر غور کرتے ہیں. سر یہ مضارے کا فقرہ ہے، یتدبر سے یتدبرون، وہ سب غور کرتے ہیں. اور القرآن، یتدبرون فی القرآن. تو یہ دو طرح سے اس کا ہو سکتا ہے. تو وہ سب غور کرتے ہیں، اس کے لیے کیا آئے گا؟ یتدبرون. دیکھنا یہ تھا اشارہ، یتدبرو وہ غور کرتا ہے، یتدبرون وہ سب غور کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب ایک لفظ آگے رہتا ہے قرآن پر. تو اب یہاں پر آپ کیا لگا سکتے ہیں؟ دو طرح سے، ایک تو آپ آگے لگا سکتے ہیں القرآن، وہ سب غور کرتے ہیں
अल कुराना कुरान में, और अगर इसको हम कहते हैं कुरान में कहते हैं तो फी जब लगाएंगे अगर तो फिल कुरान नी, नी नीचे जेर आ जाएगा फिल कुरानी, ठीक है। यानी इसका दो तरह से बन सकता है, या तदब्बरूना वो सब गौर करते हैं, फिल कुरानी कुरान में ऐसा भी कह सकते हैं, और इसको हम ये भी कह सकते हैं या तदब्बरूना अल कुराना, ठीक है जी। तो ये क्यों किया फी के साथ नून के नीचे जेर लगा दी, फी आया है तो आखिरी उसको जेर दे देते हैं ना इसको। ये इंशाल्लाह अब जब नहा पढ़ेंगे ना कोर्स 4-5 में जाकर तो उसमें आपको डिटेल पता चलेगी कि किसी भी इसम के ऊपर जो जो हरकत जब तब्दील होती हैं तो वो क्यों होती हैं, उसकी जो वजूहात हैं वो इंशाल्लाह हम कोर्स 4-5 में पढ़ेंगे जब हम नहा शुरू करेंगे, ठीक है। सिंपल यही आप याद करें कि ये फी की वजह से आया है, लेकिन फी क्या है वो इंशाल्लाह हम अगले कोर्सेज में ये पढ़ेंगे। सर ये बताया था ये बात हमने वैसे लेकिन सिंपल सी हमने पढ़ी हुई थी कोर्स 1 में, औज बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम। जी सर, सर काशिफ ने बताया था जब हुर्फ जर आता है किसी इस्म के शुरू में हुर्फ जर की टर्मिनोलॉजी हम यूज नहीं कर रहे, उसको आप ना डिस्कस करें, मैं आपको सिर्फ इसका मतलब समझा रहा हूँ, बाकी ये हुर्फ जर क्या होता है ये आपको अगले कोर्सेज में पता चलेगा, यहाँ पर कंफ्यूज ना हो इसको देख लो, क्योंकि बहुत से लोग नए हैं जिनको इस चीज का पता नहीं है, और कुछ लोगों ने अगर ग्रामर पहले से पढ़ी हुई है तो उनको पता होगा, तो हम चूंकि अवॉइड करते हैं इन कोर्सेज में टर्मिनोलॉजी यूज ना करें, ठीक है। ठीक है सर, तो इसलिए सिंपल सिंपल सिर्फ यही याद रखें जैसे हमने औज बिल्लाह मिनश शैतानी वहां पढ़ा था इस तरह से, ठीक है। इस पर हमने पढ़ा था बिस्मिल्लाहिर रहमान, बिस्मिल्लाही बिस्मिल्लाही, ठीक हो गया जी सर। आप सिस्टर को बात समझाई जिन्होंने प्रश्न किया जी। अगला उर्दू में तर्जमा कीजिए अफला यतदब्बरूना अल कुराना, अफला का मतलब क्या है, क्या बस नहीं, क्यों नहीं करते, क्यों नहीं यतदब्बरूना वो गौर फिक्र करते अल कुराना कुरान में। तो अगर आप इस जुमले में अफला को हटा दें तो ये ऊपर वाले जुमले का अरबी में उसकी अरबी बन जाती है, ठीक है। अगर हम अफला को हटा दें तो ये सेम इसी तरह से ऊपर वाले जुमले के लिए अरबी आप लिख सकते हैं यतदब्बरूना अल कुराना, ठीक है जी। तो जो ऊपर वाला फिकरा है उसमें हम उलाई का भी यूज कर सकते हैं शुरू में, नहीं उलाई का कर सकते हैं मतलब ताकीद के लिए, लेकिन यहाँ पे ताकीद की बात नहीं है ना, यहाँ पे एम्फेसिस तो नहीं हो रहा, करना चाहें तो कर सकते हैं उलाइका यतदब्बरूना कुरान वही है जो गौर फिक्र करते हैं कुरान में, तर्जमा बन सकता है लेकिन सिंपल है तो क्योंकि यतदब्बरूना में वो सब का माना ऑलरेडी मौजूद है जी, सही सही, क्योंकि ये वानून वाली जमा है ना तो इसमें वो सब का माना ऑलरेडी मौजूद है। तो ये दो हो गए, तीसरा है अरबी में हाँ में जवाब देना है हल ततदब्बरूना अल कुरान, हल तदब्बरूना क्या आप सब कुरान में गौर फिक्र करते हैं, आइए आप देखते हैं इसके अंदर जो वर्ब बुक में एक फेल दिया गया है जो तदब्बरा ही की तरह है तवक्काला, तदब्बरा तवक्काला उसने भरोसा किया, तदब्बरा उसने गौर फिक्र किया, तवक्काला उसने भरोसा किया, तो इसके जो फेल माजी है, बाकी लोग अपने माइक को जो है ना वो म्यूट रखें। सिस्टर राबिया अमीन आप इसका फेल माजी बनाइएगा तदब्बरा की तरह तवक्काला का, तवक्काला तवक्कलु तवक्कलता तवक्कलतु तवक्कलतुम तवक्कलना और तवक्काला। हां देखिए तदब्बरा की तरह आपने फेल माजी इसका बना लिया, सिंपल है तवक्काला तदब्बरा तवक्कलु तदब्बरु, ठीक है। तो सिस्टर साइमा अब्दुल वाहिद इसका मुजारे बनाइए प्लीज, तवक्कला का मुजारे क्या होगा, यतवक्कलु यतवक्कलूना ततवक्कलु तवक्कलु ततवक्कलूना नतवक्कलु नतवक्कलु तहिया ततवक्कलु तहिया ततवक्कलु, माशाल्लाह फिर मुजारे बना लिया आपने, बहुत आसान है। और सिस्टर
पहले कर लिया है, सिस्टर जोनी नदीम के नाम से है जी। जी सिस्टर, आप इसका फेल अमर और इस्म फाइल इस्म मफ़ऊल बना लें प्लीज। तवक्कल तवक्कलु ततव ला ततवक्कल ला ततवक्कलु मतवक्किलु मतवक्किलु तवक्कुलुन तवक्कुलुन। माशाल्लाह, देखिए बहुत आसान है, आपने तदब्बरा का फेल अच्छी तरह से सीखा है तो आपको तवक्कला का जो फेल बनाना बहुत ही आसान लगा है, तो मुश्किल तो नहीं है इस फेल में ना। तदब्बरा का फेल को देखते हुए तवक्कला का लिख लेंगे ना इंशाल्लाह वर्ब बुक में। लगता है मुश्किल लगा फेल आप सबको, आवाज नहीं आ रही। नहीं सर, आ गया, समझ आ गया जी। तो आइए, ये हरूफ के कुछ अफाल के कोड होते हैं जो इसे हम डिस्कस करते रहते हैं, जब आपके पास ये कोड है तो समझ जाए कि ये फतह नासरा ज़राबा सामिया का कोड इस तरह लिखा जाता है, और कमजोर हरूफ वाले अफाल जो हमने किसी टू में पढ़े उनका कोड कैसे लिखेंगे, वादा काला ज़्यादा दा हदा शाह जल्ला जन्ना मस्सा, इनके कोड ऐसे लिखे जाते हैं, और इस तरह से मजीद फी के जो अफाल हैं उनके कोड कैसे लिखे जाते हैं। तो अफाल के कोड हैं, इनको हमेशा याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने आज का जो लेसन था 7C इसका ग्रामर का हिस्सा मुकम्मल कर लिया, और आखिर में हमें ये दुआ करनी है, ए अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने समझने गौर करने अमल करने फिलाने और इसको याद करने की भी तौफीक अता फरमा। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।